आजाद हुआ। इसे हम स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम भारत का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इस दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। अंग्रेजों ने भारतीयों को आपस में लड़वा कर फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई और ये स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि वे भारतीयों का शोषण करने लगे। जब भारत के लोग होश में आए तब तक अंग्रेजों ने उनका सब कुछ छीन लिया था। तब भारतीय एक सैन्य दशा में पहुँच चुके थे। देशभक्तों से भारत माता की यह दशा देखी नहीं गई और वे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 15 अगस्त पर खड़ी है जिस दिन भारतीयों को बलिदान का दंड प्राप्त हुआ। भारत माँ के चरणों में बंधी पराजिता की टेड़ियां रख गई और भारत माँ स्वतंत्र वायु में विचरण करने लगी। देश में अपना शासन प्रारंभ तो हो गया किंतु सभी के सामने एक ही प्रश्न था, हमारा शासन कैसा हो। हमारे नेताओं ने मिलकर विचार किया, हमारे देश में अब कोई राजा या इस देश का मालिक नहीं होगा। यह देश उन सभी लोगों का है जो इस देश में रहते हैं। हर व्यक्ति इस देश का मालिक होगा। हम सब मिलकर काम करेंगे और देश को खुशहाल बनाएंगे। हमारे देश में अनेक प्रकार के अपवाद जैसे जमाखोरी, घुसखोरी, अत्याचार, छुआछूत जैसे अन्य बुराइयां फैल रही हैं। अतः ये देशवासियों जागरूक बनो, देश के हर नागरिक को समान रूप से सुख सुविधाएं प्राप्त हो। हर व्यक्ति को पेट भरने के लिए भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान चाहिए। अतः आइए हमारे वीर दोस्तों संकल्प ले कि स्वार्थ और मोह से ऊपर उठकर देश हित के लिए जुट जाएं और देश को उन्नति के शिखर पर ले चलें। जय हिंद, जय भारत।